Hey guys, welcome back to my channel. I'm ready with the next part of Sword and Rocket. लेकिन आप इस पार्ट को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा, इसको पूरा एंड तक देखिएगा. Let's start. So last episode में हमने देखा था कि शी डोंग के साथ जीशान विला से पैलेस आने के लिए निकल चुकी होती है, लेकिन रास्ते में उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो उससे कहती है कि मेरे घर पर मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, क्या तुम तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगी. बट ये एक्चुअली एक ट्रैप होता है, क्योंकि जैसे ही शी उसकी मदद करने के लिए उसके घर तक पहुंचती है तो शी और डोंग को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है. ये खबर जब शी की मास्टर जियान को मिलती है तो वो शॉक रह जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब शी की इज्जत पर दाग लगाने के लिए किया गया है, क्योंकि अगर वो एक रात भी पैलेस से बाहर रहती है तो ये शक के घेरे में आ जाएगी कि वो रात को कहाँ गई थी. आम्बेर भी शी के लिए बहुत परेशान होती है और मास्टर जियान से मिलकर प्लान बनाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए. लेकिन तभी पैलेस से वो गार्ड आते हैं जो आम्बेर को पैलेस ले जाना चाहते हैं. आम्बेर उनसे कहती भी है कि अभी तक मैडम शी नहीं आई है, लेकिन वो गार्ड कहते हैं कि हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी और आपको पैलेस तक लेकर जाना होगा. दूसरी ओर लियांग फेंग इस खबर से बहुत खुश है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और शी को किडनैप कर लिया गया है, क्योंकि जीशान विला के अंदर जो मेड थी मिस्टर लियू, उनके साथ मिलकर लियांग फेंग ने ही ये प्लान बनाया था. आम्बेर ये खबर जाकर मैडम लियू को देती है तो मैडम लियू बहुत नाराज़ होती है और वो सोचती है कि शी को हमने पैलेस में इसलिए भेजा था जिससे कि वो युआनिंग की जगह ले सके, लेकिन ये लड़की इतनी बेवकूफ़ निकलेगी और इतनी यूज़लेस निकलेगी, हमने सोचा भी नहीं था. ना तो उससे झुंड का ध्यान रखा जाता है और ना ही अपना. इसके बाद वो आम्बेर से कहती है कि जब तक हमें शी के बारे में कोई खबर नहीं मिल जाती, ये जो खबर है सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए. तभी मिस्टर लियू आइडिया देते हैं कि क्या हमें इस बात की खबर गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए. तभी वहाँ मास्टर जियान आ जाती हैं और कहती हैं कि अगर हमने इसकी खबर गवर्नमेंट को दी तो ये एक सीक्रेट नहीं रह पाएगा और सबको पता चल जाएगा, जिससे कि शी की इज्जत ख़राब हो जाएगी क्योंकि वो रात भर से किडनैप है. इसलिए हमें अपने ही लेवल पर इसका पता लगाना होगा कि उसकी किडनैपिंग किसने की, क्यों की और इस वक्त वो कहाँ है. उधर मैडम जियाओ दिन पर दिन लियांग फेंग की और बड़ी फ़ैन बनती जा रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लियांग फेंग झुंड का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, जबकि ये काम शी को करना चाहिए. कुछ समय बाद जूलिंग जब पैलेस में आता है तो वो उसको सब नज़र आते हैं, लेकिन शी नज़र नहीं आती. जब वो शी के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि शी को तो जीशान विला भेज दिया गया है, हालांकि यहाँ अभी किसी को शी की किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं पता. शी को जीशान विला भेजे जाने की खबर सुनकर जूलिंग को गुस्सा आने लगता है तो उसका छोटा भाई लियांग क्वान कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं उनको वापस जीशान विला से पैलेस ले आऊँगा. लेकिन जूलिंग उसे मना कर देता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मैं यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैं देख लूँगा. लेकिन तभी लियांग फेंग उठती है और जूलिंग से कहती है कि शी अब जीशान विला में नहीं है, क्योंकि जीशान विला में काम करने वाली मिसेस लियू ने मुझे बताया है कि शी को वहाँ रहना पसंद नहीं आया और वो अपने मायके यानी कि मैडम लियू के पास चली गई है. मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं इस बात का ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन क्या अब मैं आपके साथ उसको उसके मायके से वापस पैलेस लाने के लिए चल सकती हूँ. जूलिंग लियांग फेंग को अपने साथ चलने के लिए परमिशन दे देता है. रास्ते में चलते चलते वो अपनी मेट को समझा देती है कि जीशान विला में काम करने वाली मिसेज लियू से कहना कि वो गवर्नमेंट के पास चली जाएं और वहाँ जाके उनको सब बता दें और उनसे शी को ढूंढने के लिए मदद मांगें. ऐसा लियांग फेंग इसलिए करना चाहती है जिससे कि शी की किडनैपिंग के बारे में सबको पता लग जाए. जूलिंग शी को लेने के लिए उसके पैलेस पहुंचता है और मैडम लियू से शी के बारे में पूछता है तो मिस्टर लियू उसे बताते हैं कि आप थोड़े से लेट हो गए, क्योंकि शी जस्ट अभी अभी ब्रॉकेट खरीदने के लिए मार्केट गई हुई है और वो कितनी देर में आएगी मैं कुछ कह नहीं सकता. इसलिए अगर आप चाहें तो वापस अपने काम पर जा सकते हैं, वो जैसे ही आएगी मैं उसे भेज दूँगा. लियांग फेंग बीच में कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मैडम लियू ये कहकर उसका मुँह बंद करवा देती है कि एक कॉन्क्यूबाइन को इस तरह के मैटर्स में बोलने की परमिशन नहीं होती. और फिर जूलिंग के कहने पर लियांग फेंग को मैडम लियू से माफ़ी भी मांगनी पड़ती है. शी और डोंग को किडनैप करके एक रूम में रखा जाता है और दोनों ही बेहोश होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद शी को होश आता है और वह डोंग को जगाने की कोशिश करती है. जब दोनों को होश आता है तो उन दोनों को अपने किडनैपर्स की आवाज़ आती है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, हम इनके साथ कुछ कर सकते हैं. तो उसमें दूसरा किडनैपर कहता है कि नहीं, हमें सिर्फ इनको किडनैप करने के लिए पैसे मिले हैं, हमें इन्हें टच भी नहीं करना है. उधर जूलिंग सबके साथ बैठकर शी के वापस आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन बहुत देर तक भी शी नहीं आती. और कैसे आती, वो मार्केट तो गई नहीं थी, वो तो एक्चुअली किडनैप थी.
ये देखकर लियांग फेंग अपनी गंदी चाल चलने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सब सच जानती थी और वो सबसे कहती है कि बहुत टाइम हो गया, हमें कितना और इंतजार करना होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी लियांग फेंग को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि सबके बीच में शी आ जाती है। मैडम लियो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए वो सबके बीच से उसको रूम में ले जाती हैं। कमरे में जाकर वो उससे पूछती हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मुझे सब कुछ बताना। तो शी मैडम लियो को सब कुछ बता देती है कि किस तरह उन दोनों को किडनैप कर लिया गया था, और अगर आज वो बचकर वापस आ पाई है तो वो मास्टर जियान की वजह से। मास्टर जियान ने शी को एक और बात बताई थी कि जब शी किडनैप हो गई थी तो ज्यूलिंग ने उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी पीछे लगा दिए थे। इट मीन्स कि ज्यूलिंग को शी की परवाह होने लगी है। तो मैडम लियो शी से कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे कहीं ना कहीं इस कॉन्क्यूबाइन लियांग फेंग का हाथ है, क्योंकि इसका एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लगा। इसके बाद ज्यूलिंग शी को अपने साथ लेकर वापस पैलेस के लिए निकलता है, और रास्ते में वो उससे पूछता है कि तुम जीशान विला क्यों गई थी। तो शी उससे कहती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ग्रह तुम्हारी बहन डैनयांग पर भारी हैं और वो प्रेग्नेंट भी है, तो इसलिए मैं उससे दूर जाना चाहती थी जिससे कि वो सेफ रहे, और इस बात की परमिशन मैंने माँ से भी ले ली थी। तो ज्यूलिंग उससे कहता है कि ये सारे अंधविश्वासों की बातें मुझसे मत करो, अगर डैनयांग की तबीयत ख़राब थी तो उसे एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत थी, ना कि तुम्हारे जीशान विला जाने की। तभी अचानक से गाड़ी को एक झटका लगता है और शी ज्यूलिंग के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, इससे दोनों ही नर्वस हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी अचानक शी के पैर में दर्द होने लगता है। ज्यूलिंग उसे पूछता है कि क्या हुआ है, तो शी उसे बताती है कि मैं दो रातों से ठीक से सोई नहीं हूँ, इसलिए शायद मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो ज्यूलिंग उसे अपना पैर दिखाने के लिए कहता है, तो शी कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको एक लेडी का पैर देखना चाहिए। लेकिन ज्यूलिंग उसे फोर्स करने लगता है कि मैं जानता हूँ इस तरह की इंजरी को कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि मैं युद्ध के लिए जाता रहता हूँ और ऐसी परेशानी मेरे साथ अक्सर होती रहती है, इसलिए मुझे अपना पैर दिखाओ। तो शी उसे कहती है कि आप कुछ समझते क्यों नहीं हैं कि सारे आदमी आप ही की तरह से होते हैं, एकदम केयरलेस। ये सुन के ज्यूलिंग की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वह शी से पूछता है कि तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम बहुत सारे आदमियों से मिल चुकी हो। तो शी कहती है कि नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो एक्चुअली उन आदमियों की बात कर रही हूँ जो जीशान विला में मेरे गार्ड्स थे और जो इतने केयरलेस थे कि बिना मुझे बताए पता नहीं कहाँ चले गए, और इसीलिए मुझे मेरे मायके मैडम लियो के पास जाना पड़ा था, वो तो भला हो आपका और लियांग फेंग का जो मुझे लेने आ गए। इसके बाद पैलेस पहुँचने के बाद शी अपनी मेड जोंग से ज्यूलिंग की तारीफ करती है कि वो इतने बुरे भी नहीं हैं जितना मैं समझती थी, उनमें कई अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। फिर डोंग शी से पूछती है कि इतना तो मुझे भरोसा हो गया है कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हुआ वो लियांग फेंग ने ही किया था, लेकिन क्या आप उसे इतनी आसानी से जाने देंगी, उसके साथ कुछ करेंगी नहीं। तो शी कहती है तुम चिंता मत करो, मैंने बातों ही बातों में ज्यूलिंग का ध्यान इस तरफ कर दिया है कि शायद इस सब के पीछे लियांग फेंग हो सकती है, अब ये उनके ऊपर है कि वो इस मैटर को किस तरह से हैंडल करते हैं। दूसरी ओर शी के वापस आ जाने से डैनयांग इस बात से नाराज़ होती है कि शी के ग्रह मेरे ऊपर और मेरे बच्चे के ऊपर भारी है, अब वो यहाँ वापस आ गई है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती, उसे यहाँ से जाना ही होगा ताकि मेरा बच्चा सेफ्टी से इस दुनिया में आ सके। तो लिंकवान अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करता है कि शी कोई साधारण औरत नहीं है, भले ही वो एक कंक्यूबाइन की बेटी हो लेकिन अब वो ज्यूलिंग की वाइफ है और वो यहाँ की मालकिन है, उसे यहाँ से निकालना ठीक नहीं है, अगर तुम्हें उससे परेशानी है तो हम दोनों किसी और पैलेस में शिफ्ट हो सकते हैं, शेनोंग वैली में भी हमारा एक पैलेस है, हम दोनों वहाँ जा सकते हैं। पहले तो डैनयांग उसकी बात नहीं मानती, लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने के बाद डैनयांग मान जाती है। इसके बाद जब लिंकवान ये सारी बातें अपनी माँ को बताता है और सबको अपना डिसीजन सुनाता है तो मैडम जियाओ को ये बात पसंद नहीं आती और वो मना कर देती हैं कि डैनयांग अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। और अब डिसीजन के लिए सब लोग ज्यूलिंग की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन ज्यूलिंग किसी भी हालत में शी को पैलेस से बाहर भेजने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए वो सबसे कहता है कि इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैलेस के बैकयार्ड गार्डन में भी रहने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, डैनयांग वहाँ रह सकती है, उसे वहाँ कोई परेशानी भी नहीं होगी। और उसका ये डिसीज़न डैनयांग को भी बहुत पसंद आता है और वो इमीडिएटली शी से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांग लेती है। मैडम ज़ियाओ भी शी से कहती है कि जो पहले मैंने तुम्हारे साथ किया और तुम्हें जीशान विला जाने के लिए मजबूर किया था उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। शी के हिंट की वजह से ज्यूलिंग को लियांग फेंग पर शक हो जाता है कि शी की किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ था और वो लियांग फेंग से सच्चाई का पता करने के लिए जाता है।
और वो लियांग फेंग से पूछता है कि जीशान विला की देखभाल जो मिसेस ल्यू कर रही थी वो तुम्हें कहाँ मिली और तुमने उन्हें अपॉइंट क्यों किया। तो लियांग फेंग बताती है कि वो मेंशन में ही काम किया करती थी, मुझे उनका काम अच्छा लगा, इसीलिए जब मुझे पता चला कि शी जीशान विला में रहने वाली है तो उसकी सेवा के लिए मैंने मिसेस ल्यू को लगा दिया। तो ज्यूलिंग कहता है ठीक है उन्हें वापस बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही लियांग फेंग घबरा जाती है और पूछती है कि कोई परेशानी हुई है क्या। तो ज्यूलिंग कहता है कि क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारी मिसेस ल्यू ने शी के लिए जो दो गार्ड तैनात किए थे उन्होंने अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं की, वो दोनों शी को अकेला छोड़ के पता नहीं वहाँ से कहाँ चले गए, इसलिए मुझे उनसे बात करनी है। और आज का एपिसोड मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी इंटरेस्टिंग होती जा रही है तो उसे बीच में बिल्कुल मत देखना छोड़िएगा। एंड आई प्रॉमिस यू कि इस ड्रामे को मैं कंप्लीट ज़रूर करूँगी, लेकिन इसे आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलते रहना चाहिए जैसे कि उसके पुराने एपिसोड्स को मिल रहा था। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगले एपिसोड का इंतजार करें। टाटा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।